तो सरकारी म्यूट लगाने पे भी कैसे बोल सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना। बहुत सारे लोगों को डिमांड आ रहा था भाई कि यार मुझे सरकारी म्यूट लगा देता है और मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा वर्जन बताओ जिसमें मुझे यहाँ पे सरकारी म्यूट यानी म्यूट लगाने पे भी मैं सीट पे बैठा रहता हूँ और मुझे म्यूट लगा देता है, तो मैं कैसे बोलूँ, मेरा आवाज़ कैसे उस तक जाएगा? जी हाँ, तो बिल्कुल जाएगा। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा, मतलब बहुत ही अच्छा तरीके से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो शुरू से देखना, स्किप मत करना, भागा मत देखना, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे समझ में आए तो वीडियो को अच्छे से शुरू से देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या आपको दिखा रहा हूँ। सेम टू सेम वो आप फॉलो करो, ठीक है? इसके बाद ही तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। इससे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले इसी तरह का न्यू न्यू वीडियो देखने के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हे गाइस, सबसे पहले आपके पास कौन सी वर्जन होना चाहिए और कौन सी आईटी होना चाहिए जो कि आपको म्यूट नहीं लगेगा? जी हाँ, तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरा, ये है मेरा ओला पार्टी, ठीक है? अब ये जो है ओला पार्टी है और ये न्यू न्यू इमोजी अपडेट हुआ है, तो आप देख सकते हैं। आप इस तरह से अगर इस ओला पार्टी का अपडेट चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। इसका वर्जन है 1.3.1, ठीक है? तो इसका वर्जन ये है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इमोजी इसमें दे दिया है और ये डांस करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए करते हैं काम की बात। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से क्या करते हैं, बीच वाले बटन से कट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक हागो है और आपके भी पास भी एक हागो होना चाहिए और एक ओला पार्टी जिसके पास आपको जाना है, ठीक है? तो मान के चलो मुझे यहाँ पे ओला पार्टी में जाना है, तो आपको वर्जन यूज करना है हागो का। और वो वर्जन क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं हागो ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको इसका वर्जन दिखा देता हूँ, ये वर्जन कौन सा है। अब देखिए ये वर्जन, इसका वर्जन है, यहाँ पे बोर्ड में जाता हूँ और इसका वर्जन है 2.9.1, ठीक है? ये वर्जन है और इस वर्जन में मैं आपको म्यूट में बोलते हैं वो दिखाऊंगा, ठीक है? और ये जो आईडी है, ठीक है, और ये आईडी आप सोचोगे यार कि मतलब इंडिया में कैसे चलेगा, ये आईडी इंडिया में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। मैं आपको इस वीडियो के बाद बता दूंगा कि ये आईडी कहाँ की है, तो इस वीडियो को शुरू से देखना, इसके बाद आपको पता चलेगा। तो देखिए मैं अपना ये हागो ओपन कर लिया हूँ और सबसे पहले मैं अपना ओला पार्टी में चलता हूँ, ठीक है? और मान के चलो इस आईडी के, मतलब यहाँ पे मैं जिसके रूम में आपको टोन कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, आपको म्यूट में बोलना है तो दूसरी आईडी लेके ओला पार्टी से आ जाइए किसी रूम में। मान के चलो मैं इसी रूम में आ गया, अब इस रूम में मुझे लेके आना है, ठीक है? तो इस रूम में मुझे इसको इन्वाइट करना है, तो मैं यहाँ से इन्वाइट पर टच कर लेता हूँ। और ये देखो ये मेरा आईडी है, ठीक है, जो ओल्ड वर्जन में चल रहा है, तो मैं इस पर इन्वाइट कर लेता हूँ। मैंने इस पर इन्वाइट कर लिया हूँ और चलिए देखता हूँ कि उस पर इन्वाइट आया है या नहीं। तो मैं हागो में आ गया, शो नहीं करेगा, ठीक है? ऊपर आपको इनवाइट शो नहीं करेगा, आपको यहाँ पे देखना है एक साइड में मैसेज टाइप का दिख रहा है, इस पर आपको टच करना है। मैंने इस पर टच कर दिया और यहाँ पे देखिए विजय शर्मा ने इनवाइट किया था, वो यहाँ पे जस्ट शो कर रहा है। तो आपको इसी इनवाइट पे टच करना है और उसी रूम में चलना है। मैं इस पर टच कर लिया और इसी रूम में आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो आ गया हूँ और यहाँ पे मुझे सीट लॉक दिख रहा है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सीट अनलॉक कर लेता हूँ और इसे ऊपर उठाता हूँ। तो मैंने मान के चलो मैं यहाँ पे इसको 6 नंबर पर बैठाता हूँ, ये मेरा टारगेट, चलो यहाँ पे इसको ऊपर बैठा लेता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे मैंने टेके सीट तो कर लिया हूँ, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसको शो होता है या नहीं। तो यहाँ पे जो है इनको शो नहीं हो रहा है कि इसने मुझे ऊपर उठाया। तो जी हाँ, इस वर्जन में आपको कुछ भी शो नहीं होगा। इस वर्जन से आप अगर किसी के रूम में आते हो तो पहले से ही सीट ओपन होना चाहिए, तभी आप उस पर बैठ पाओगे, नहीं तो एडमिन आपको ऊपर उठाएगा, आप ऊपर नहीं आ पाओगे। आपको पता नहीं चलेगा कि एडमिन मुझे ऊपर उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। तो सबसे पहले मुझे बैक चलना होगा, ठीक है? तो मैं कट कर लेता हूँ और एडमिन जो है यहाँ पे पहले से यहाँ पे सीट को खोलना है। देखिए मैं यहाँ पे सीट को खोला हूँ और आपको क्या करना है, उस आईडी से फिर से इसी रूम पे आना है। रूम पे जाने के लिए मुझे इसी इनवाइट पर टच करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे टच किया तो देख लीजिए यहाँ पे मुझे एक रूम खुला मिल रहा है, मैं इसे फटाक से इस पर बैठ जाता हूँ। आपको भी इसी तरह से बैठ जाना है, ठीक है? अब देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अब मुझे जो है मैं बोलता हूँ कि एडमिन मुझे म्यूट लगा दो, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ दूसरी ओला पार्टी में जाता हूँ और इसको मैं म्यूट लगा देता हूँ। अब देखो कि ये आईडी बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको म्यूट लगा देता हूँ। देखिए मैं इसको म्यूट लगा दिया, फिर भी यहाँ पे जो है ये बोल रहा है। आप देख सकते हैं इसकी बैकग्राउंड से जो आवाज़ आ रही है और मतलब लाइट जो निकल रहा है, आप वो देख सकते हो, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे म्यूट लगा दिया, फिर भी ये यहाँ पे बोल रहा है। और मैं चलता हूँ दूसरी पे, और दूसरी पे मैंने यहाँ पे आया तो यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे को कोई म्यूट नहीं लगाया है, ठीक है? उसके हिसाब से तो म्यूट लग गया, लेकिन मेरे हिसाब से म्यूट नहीं लगा है। जब तक हम यहाँ से म्यूट नहीं लगाएंगे तब तक हमारा आवाज उस तक जाता रहेगा, ठीक है? अब बता दूं यहाँ पे इमोजी की, तो यहाँ पे सारी इमोजी आपको ओल्ड शो करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइपिंग की, तो टाइपिंग तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक खासियत ये कर दिया है कि आपको किकआउट करेगा तो किकआउट हो जाएगा,
नीचे से अगर आपको म्यूट लगा दिया तो नीचे मेंशन नहीं कर सकते हैं, ओनली आप इमोजी कर सकते हैं, इमोजी दिखाई देगा लेकिन मेंशन दिखाई नहीं देगा अगर आपके आपके आईडी पे म्यूट लगा दिया तो। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको म्यूट लगा दिया हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ इसको लीव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे को म्यूट नहीं लगा है, ठीक है, और वहाँ पे मुझे म्यूट लगा दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसको भी सुनाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं इनकी बैकग्राउंड से जो लाइट निकल रहा है, इसका मतलब समझ सकते हो कि बोलने के बाद ही यहाँ पे लाइट निकलता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लीव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लीव कर देता हूँ, देखता हूँ वो लीव हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको टच किया और नीचे इसको सॉरी इसे लीव कर दिया। अब देखता हूँ इस आईडी पे आके कि इस आईडी पे ऊपर बैठा है या फिर नीचे बैठा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंदा ऊपर ही बैठा है, नीचे ही आया है। तो आप इसी तरह जो है आप उनसे बात कर सकते हैं या फिर वन टू वन कर सकते हैं, आप नीचे नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, तो बात करें यहाँ पे चैनल म्यूट की, तो यहाँ पे देखिए बता दूं यहाँ पे ये बंदा नहीं है और वहां पे बंदा बैठा हुआ है। तो इस वर्जन का खासियत यही है कि आपको अगर लिप भी कर देगा फिर भी आप ऊपर ही उसको शो करोगे, ठीक है। अब उससे बात नीचे चला गया फिर इसका आवाज कैसे आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं अब इसको क्या करता हूँ, म्यूट लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे से हम इसको टाइपिंग म्यूट लगा देते ताकि ये मुझे कुछ बोल ना पाए, ठीक है, और इसको म्यूट लगा दे सके इनके लिए। तो यहाँ पे देखिए म्यूट पे गया 10 मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने तो इसको म्यूट लगा दिया हूँ और मैं ऐसे कुछ मेंशन करके देखता हूँ कि ये बोल पा रहा है या नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, कुछ मेंशन कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाय लिख के भेजा हूँ, अब मैं चलता हूँ उस आईडी पे देखता हूँ कि मुझे हाय का मैसेज आया या नहीं आया। तो यहाँ पे फिलहाल जो है शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार और मेंशन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ हेलो हेलो। तो देखिए यहाँ पे मैंने हेलो भी लिख दिया और यहाँ पे मैं चलता हूँ उस ओला पार्टी में और देखता हूँ कि यहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं आया है, यानी इसको म्यूट लग चुका है। तो गाइस बता दूं कि इस वर्जन पहले जो है मैंने इससे पहले हागो में बताया था उसमें नो म्यूट नो कीकॉट हो रहा था, कीकॉट मारने पे भी इसी रूम में रहता था, म्यूट कीकॉट मारने पे भी वो किसी के साथ बात कर सकता था और यहाँ पे म्यूट लगाने पे भी किसी से बात कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी ओला पार्टी में कुछ ऐसा अपडेट कर दिया कि यहाँ पे कीकॉर्ड भी लग जाता है और म्यूट लगाने पे बोल नहीं पाता है। तो मैं इसका पार्ट टू लेके आऊंगा, पार्ट टू में आपको बताऊंगा कि नीचे अगर चैनल म्यूट कर देता है या फिर आपको 10 मिनट के लिए या घंटे के लिए आपको म्यूट कर देता है तो आप उसे कैसे नीचे से टैप करके बात कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं जल्दी चलता हूँ यहाँ पे इस पे। अब बता दो यहाँ पे देखिए मैं इसको इमोजी करूंगा तो इमोजी इसको दिखाई देगा लेकिन टाइपिंग दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये दिल वाली इमोजी किया हूँ, तो यहाँ पे मैं चलता हूँ और देखता हूँ इमोजी आया कि नहीं आया। ये देखिए यहाँ पे इमोजी आ चुका है लेकिन मैंने जो टाइपिंग किया था वो नहीं आया। तो गाइस मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको बता दूं कि इसमें पहले म्यूट और कीकॉट नहीं होता था लेकिन अभी एक ही ऑप्शन इसमें बचा है कि आप म्यूट में कैसे बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डिमांड आ रहा था भाई कि म्यूट में कैसे बोले, इसलिए मैंने ये वीडियो बना लिया हूँ। मैंने इससे पहले हैगो के बारे में बताया था लेकिन अब ओला पार्टी के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें म्यूट जो है लगाने पे भी आप यहाँ पे बैठ के बोल सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, ठीक है। अब बता दूं कि आप सोचोगे कि हैगो में कौन सी ऐसी वर्जन चलेगा, इंडोनेशिया मतलब आईडी पे मुझे इन्वाइट नहीं कर पा रहा हूँ, तो जी हाँ ये इंडिया की आईडी ही चलेगा। और इंडिया की आईडी आपको क्या चलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये आईडी नंबर है आप देख सकते हो, ये जो आईडी नंबर है ये नेपाल की है, नेपाल कंट्री की कोई भी आईडी नंबर बना लो आपको इंडिया की फ्रेंड दिखाई देंगे, आप इंडिया की आईडी से नेपाल की आईडी को इन्वाइट कर पाएंगे उसे। तो इंडिया की आईडी बैन किया है, इंडिया से बाहर नहीं किया है, तो ये इंडिया में ही पड़ता है लेकिन नेपाल जो है नेपाल की आईडी हागो में चलता है। तो बता दो आपको नेपाल की आईडी चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो नीचे आपको बता दूं कि आपको नेपाल की आईडी चाहिए तो नीचे जो है हमारे आयान भाई का कमेंट दिख रहा होगा, ठीक है, सबसे ऊपर में, तो आप उनके चैनल पे जाके कमेंट करके उनसे आप ये नेपाल की आईडी बनवा सकते हो। तो हमारे वो भाई जो है ओनली नेपाल की आईडी बनाते हैं और वो जो है उनका वीडियो भी देख लेना, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं, उनका नाम है आयान वासी और उनके चैनल पर भी जाकर उनका भी वीडियो बहुत ही अच्छा अच्छा होता है। और आपको आईडी बनाना है तो आपको उनके कमेंट पे जाके कमेंट करना है, ठीक है, कि भाई मुझे एक आईडी बनानी है, मैं आपको अपना जीमेल एंड पासवर्ड देता हूँ, मुझे एक नेपाल की आईडी बना दो, ठीक है। देखो मैं अब इसलिए नहीं बना सकता हूँ कि मेरे पास अभी एक ही मोबाइल है और मैं अपने मोबाइल को रिस्टोर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास अब मोबाइल हो जाएगा तो मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो के आपको देखने के बाद अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की न्यू वीडियो देखने के लिए। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पर चाहिए,
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बता देना ताकि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।